एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर ने आज मिर्जापुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि राष्ट्रीय समाज पार्टी समस्त जाति धर्मों व समुदाय के लिए व उसके हक की लड़ाई के लिए सदैव समर्पित है। पीडीपी पाकिस्तान का जब फेवर करती है तो बीजेपी के बर्दाश्त के बाहर हो जाने की स्थिति हो जाती है। उसके लिए बीजेपी ने जो निर्णय लिया है वह देश के हित में लिया है। पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों का समर्थन करने वाले कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। कश्मीर में औरंगजेब जैसे मुसलमान भी हैं, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। बीजेपी की राजनीति की आइडियोलॉजी अलग है और पीडीपी की राजनीति की आइडियोलॉजी अलग है। चाहे ब्राज कोई पार्टी का आने दो, लेकिन तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब तिरंगा को भी पत्थर फेंकी की आवाज़ चल रही है तो थोड़ा सा वहाँ कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट है तो उसके बारे में डिसीजन नहीं सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के सभी मुसलमान रहते हैं, कई मुसलमान औरंगजेब जैसा मुसलमान के हमारे उसका फक्र है, उसने हमारे लिए उसने जी जान दिया तो उसको गलत कैसा करेंगे। और धर्म के नाम पर बांटना नहीं चाहिए, ये कोशिश किया है। और बीजेपी की अलग राजनीति की आइडियोलॉजी है और पीडीपी की राजनीति का है, तो हम दोनों ही पार्टी उसके सही जगह चल रही है, लेकिन पीडीपी ने रवैया किया है देश के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं था, मेरा मानना है। जी, ये गठबंधन जो होने जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, इसका कितना असर पड़ेगा इस 2019 के चुनाव में बीजेपी? मैं बताना चाहता हूँ कि गठबंधन वाले आजकल बयान आया है कि बहन जी मायावती कांग्रेस के साथ नहीं आएगी। ये अमर सिंह अखिलेश भी बोल रहा है कि हम कांग्रेस को जगह नहीं देंगे, तो ये लोगों में खिचड़ी वाले के लिए नेता नहीं तय हो जाएगा। और हम एनडीए में है, मेरी पार्टी छोटी है लेकिन हम एनडीए में साथ हैं। एनडीए में एक लीडर को मानने वाले लोग हम सब एक दायरे में चलते हैं, लेकिन ये जो यूपीए में है किसी को लीडर मानेंगे? सोनिया गांधी को नेता मान सकते हैं, उस वक्त उसका जमाना था और सोनिया अच्छा भी किया, ऐसा कोई गलत नहीं। लेकिन राहुल कितना सक्सेस होता है ये बात है, जिस सुबह से राहुल आता है उस यूपी से ही उसकी 2-3 सीटें के वो ज़्यादा नहीं है, तो मायावती और अखिलेश उसको वैल्यू क्यों देंगे? तो यही समझ में आता है। और मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बीएसपी अकेले बंद दम पे लड़ रही है, और अखिलेश और मायावती एक जगह आ सकती है, लेकिन ये सब खिचड़ी है ना। खाली कर्नाटक में उसने प्लान बनाया, एक मंच में फ़ोटो खिंचवाने के लोग आए, लेकिन उससे ज़्यादा ये नहीं होगा। यूपी में बीएसपी और समाजवादी की ताकत है, उससे थोड़ा असर गिरेगा। लेकिन ये बीजेपी हमारी पार्टी है, हमारा एक भी एमपी नहीं, अगली बार हमारे 2-4 एमपी जरूर आएंगे।